नमस्कार दोस्तों, ए एम टी वी देख रहे दोस्तों का स्वागत है। मैं अशोक मैक, तुसी देख रहे हो ए एम टी वी लाइव। इस टाइम मैं फिर तो लाइव होया। इस टाइम मैं खड़ा फाजिलका रेलवे स्टेशन से, जिते कि अज किसानों वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रैलां रोकिया जा रही सी। और दूसरे पास 646 पी टी आई अध्यापक जेडे कि हर प्रोटेस्ट के जी यूनियन कि किसानों के हक में नित्रदी रही है, अज उन्होंने किसानों के हक च फिर नारा मारिया है। प्रधान शोक कुमार जी साढ़े मौजूद ने और रीश नड्डा जी गलबात करांगे भी पंजाब सरकार दे नाल इन्हां दी हुण इस टाइम की गलबात होई सी कि इन्हां नूं अगे जाके नौकरियां दित्तियां जा रहियां जां कि जे सुणना चाह रहे भी इह जिहड़े 646 पी टी आई अध्यापक दी जिहड़ी भर्तियां रद्द कीतियां गईआं ने, उस ते जानकारी लवांगे, गलबात करांगे। सर पहला तो तुसी जानकारी दिओ भी जिहड़ा कि तुसी उस दिन भगवंत मान साहब मोलिया वाले आए सी, ते तुहाडी मीटिंग होई उहनां नाल जा। जी मैं अशोक कुमार जिहड़ा फाजिलका सूबा कमेटी मैंबर हाँ, तो मैं ये पंजाब सरकार नूं और किसान वीरां नूं दसना चाहुंदा कि प्रोटेस्ट करना साडा हक है, क्योंकि पुराने बजुर्ग भी कहिंदे आ कि 11-12 साल बाद तो रूड़ी की भी सुनी जाती है, पर जदों की यह पंजाब आम आदमी की सरकार भगवंत मान की सरकार आई है तो साडा एक 646 का 9/5/2011 तो यानी कि 2011 दी पोस्टा सी लगभग हुण 9-5 महीना भी जा चुके आ, 12 साल लग गया जी। तो ये साडी मंग सी कि 646 की भर्ती की जाए, क्योंकि सरकारां भर्ती तो कर रही ने, नवें बच्चों भर्ती कर रही, पर लेकिन आगा दौड़ पीछा चौड़ वाली गल हो रही है, क्योंकि साडी एक ही मंग सी 11 सालों तो मान रहे हैं कि 646 की भर्ती की जाए। पिछले दिनों के मूलियामाली के विखे सरदार भगवंत सिंह मान नूं मिलन लई पहुंचे सन, क्योंकि मिलाउण वाले भी सानू जिहड़े इत्थों दे एमएल समना साहब और जगदीप गोल्डी और जिहड़े इस जिले फाजिलका दे 4-5 ब्लाकां दे एमएल, उन्हां नूं असीं कहा असीं शांतमई ढंग नाल साडी जिहड़ी है मीटिंग कराई जाए, पर इत्थों दे प्रशासन ने सानू दबका धमका के मीटिंग कराउण दा जो जांसा दित्ता। जदों साडी वारी आई तां भगवंत मान जी ओह आपदी गड्डी ते चढ़ गए सन, तां उस तों बाद धीआं भैणां नाल काफ़ी लंबे समें तो जिहड़ा प्रशासन है और डांगा चला रहा और साडी गलबात नहीं सुनी जा रही। तो अज असीं रेलवे स्टेशन जो किसानां दे समर्थन ते भी पहुंचे हाँ, पर दूसरी गल दसनी यह भी वाजब बनती है कि अज भगवंत मान और सीएम जिहड़े अज संगरूर दे विखे सुनाम विखे अज उत्थे भी जिहड़े पहुंचे आ, पर साढ़े पंजाब दे बेरोजगार अज भी अध्यापक उत्थे हक मंगण लई पहुंचे सन, पर लेकिन उत्थे साढ़े बेरोजगार मुंडे कुड़ियां नूं गिरफ़्तार करके जेलां में सुट्टिया गया, ना कि उन्हां दी गल्लां सुनी गईआं। तां असीं हर बार जिहड़े किसानां दी हिमायत लैंदे आ, पर उत्थे भी सानू डकौंदा वाले किसान और होर जथेबंदी दे किसान उन्हां दे भी बेटी बेटियां साडे नाल ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 646 ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਨਿਤਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ 646 ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀ ਟੀ ਆਈ 646, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਏਜਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਪੀ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ
वो तां ही सर्व पक्षी विकास हो सकता है जे डीपी जिहड़े मास्टर है उन्होंने जिहड़े पढ़ाई के नाल नाल जिहड़ियां खेडां भी जिहड़ियां करवाउणगे तां ही बच्चों का जिहड़ा सर्व पक्षी विकास हो सकता है। सो मैं मैनू बड़े दुख की गल गल कहनी पै रही है भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी वड्डे वड्डे जिहड़ियां गल्लां करके पंजाब दे विच जिहड़ा उन्होंने सरकार बनाई है और जदों विपक्ष दे विच सी सत्ता दे विच नहीं सी तां उही केजरीवाल उही भगवंत मान जां होर उन्हां दे जिहड़े कई मंत्री बने है खुद जिहड़े टैंकियां ते बैठे साडे इन्हां बेरोजगार अध्यापकां दी जिहड़ी हमायत ते जांदे रहे और इन्हां नाल इक वादा करके आए सी भी साडी सरकार पंजाब दे विच लियाओ असीं आउण वाले समें दे विच तुहानूं जिहड़ा तुहाडी रैगुलर है जिहड़ी भर्ती करांगे। पर पिछले दिनी जो असीं देखिया भावें ई टी टी जिहड़े अध्यापकां दी गल होवे भावें पी टी आई 646 अध्यापकां दी गल होवे किदां इन्हां ते जिहड़ियां लाठियां डंडे है वह जिहड़े वरसाए गए। सो इस तो जिहड़ी है दुखद गल वो हो नहीं सकती। सो मैं कहांगा ये वो आम आदमी पार्टी वाले जिहड़े कहिंदे आम लोगों के आम घर के जिहड़े एम एल ए बने हैं वो आम तो खास बन गए खास तो महंगे बन गए। अज जिहड़ियां भी जिहड़ियां गड्डियां सिक्योरिटी दियां नाल लैके पायलट जिप्सियां नाल लैके साडे जिहड़ी जेब ते आम लोगों की जेब ते एक बहुत वड्डा जिहड़ा भार बणिया है। सो असीं भगवंत मान की सरकार नूं आम आदमी पार्टी नूं जिहड़ी सख्त शब्दां च चेतावनी देना चाहुंदे आ इन्हां किसानां ने इस किसानां दे रोह ने वड्डे वड्डे दिग्गज जिहड़े उह घरे बिठाते भावें उह बादल का टोला होवे भावें उह कैप्टन होवे भावें पिछले दिन सीएम चन्नी रहा होवे वड्डे वड्डे जिहड़े थम कहिंदे कहाउंदे आ उन्हां नूं जिहड़े घरे बिठाता किसे हंकार दे विच ना आयो। लोक जिहड़े आ वड्डे हुंदे आ लोकतंत्र च लोक वड्डे हुंदे आ लीडर जां पार्टियां वड्डियां नहीं हुंदियां। सो लोक जिन्हें विश्वास दे नाल लोकां ने जिहड़ा ये सरकार बनाउणी सी बनाई सी सो आने वाले दिनों सरकार भी इस तरह के निकम्मे काम करती रही तो एक जोड़ा बहुता समा नहीं लगना जदों इस सरकार इन्होंने जो एम एल ए जो गद्दी तो थले लाने का जोड़ा किसान वो काम कर। सो ये सर नरीश नड्डा जी जेडे रिटायर टीचर अशोक कुमार जी मौजूद ने इन्हों गलबात करेंगे भी जेडे 646 पी टी आई अध्यापकों के केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री दिल्ली भगवंत मान साहब एको ही गल मैं थोड़ी याद करवानी चाहना जो साढ़े 646 पोस्टा पी टी आई की साड़ी बेटी टैंकी के उत्ते बैठी सी तो आवाज़ अजे भी मेरे को फीड है जेकर तू मेरी भैन है तो थले आ जा गल कही सी मैं तेरा वीर हाँ तू मेरी भैन है जेकर मेरी सरकार आ गई तो मैं 646 पोस्टा जिहड़ियां 2011 दियां पेंडिंग पईयां ने सब तो पहले मैं काम करांगा। तां केजरीवाल साहब तुसीं साडे नाल वादा करके असीं एडा वड्डा बदलाव लियांदा 1947 तो बाद रिकॉर्ड कायम कर दिता तुहाडी मेजोरिटी का वड्डे वड्डे थम डेट दित्ते जलालाबाद कंस्टीट्यूएंसी फाजिलका ते तुसीं साडी एक कदर पाई मेरी किसान यूनियन डकौदा वालों और जोर सख्त शब्दों में मैं तुम्हें कहना कि जल्दी तो जल्दी 646 पोस्टा जी पेंडिंग पे उन्होंने आबाद करके इन्हों ज्वाइनिंग के ऑर्डर दिए जाएगा। तो नंबरदार बिहारी लाल साढ़े मौजूद ने इन्हों गलबात करा भी वो पी टी आई अध्यापकों के किस तरह का नारा ला। हाँ जी जो गल है पी टी आई अध्यापकों बारे तो जिस वक्त कांग्रेस सरकार सी तो उस वक्त इन्हों पर जोर जरा प्रदर्शन किया गया ते टैंकी के उत्ते कई बच्चे चढ़े से जिदे विच के कुछ लेडिया भी सन ते भगवंत मान ने जिन्हें कि अशोक कुमार ने दसिया है कि भगवंत मान ने यही गल की सी कि तू मेरी भैन है तू भैन है मेरी ते तू टैंकी तू थले आ जा ते पैर दे आधार ते तुहानू पोस्टा मैं देंगा पैर दे आधार ते जदों ही साडी सरकार बन गई ते अज सत्ता दे विच आ के भगवंत मान जी केजरीवाल जी इस जिहड़ी आ 646 पोस्टा 2011 दे विच कढ़ियां गईयां सन उन्होंने जो साडी परजोर मंग है इन्हों जल्दी तो जल्दी हल किया जाए तो इन बच्चों बेरोजगार बच्चों ये साडे कोलों बच्चा खड़ा अशोक कुमार मंडी लादुका तो बेजमीना कोई इस कोलों जमीन नहीं कोई इस कोलों रुजगार नहीं सज्जी दिहाड़ी मेहनत करके अपनी पेट पूजा करता है अपना परिवार पालता है अज
15-15, 20-20 साल के इन्हों बच्चे हो गए तो माता है इन्हों बजुर्ग दसो ये अपने घर किस तरह चलाउंगे। सो यही हाल अपना सरकार का रहा। दसो केजरीवाल साहब भगवंत मान जी ये लोकतंत्र है, जेकर इन्ह बच्चों ने तुहानू पर जोर संघर्ष के साथ दिता है, वोटा पाइया ने, सरकार बदलाई है, तो यह इन नौजवानों का देन है। सो साड़ी इन्हां दे नाल ये मंग है कि ये जो 646 पोस्टा ये हुण सरकार कहती है कि वह कृष्ण कुमार ने जिहड़ियां ने पोस्टा कैंसल करा दित्तियां सन, जे वह कैंसल करा दित्तियां ना तो असीं उहनां नूं बहाल भी कर सकने आ। इहदा मतलब ये नहीं कि सरकार बहाल नहीं कर सकती, सरकार दे सारा कुछ हथ वस है। असीं कहने आ जल्दी तो जल्दी जिहड़ी ये 646 है ये तुहाडा सारा हथ वस है, जे तुसीं कैंसल कर सकते ने तो बहाल भी कर सकते ने। सो मैं इहनां शब्दां नाल कहिंदा हां केजरीवाल नूं दुबारा बेनती करदा कि केजरीवाल साहब अपनी टैंकी वाली गल नूं याद कर कि जिस वक्त साडी धी साडी बेटी साडी भैण टैंकी ते चढ़ी सी ते तुसीं उहनां नूं हथ जोड़ के थले लाया सी कि तू मेरी भैण है, तो उत्तर आते तुहाडे उहने दूजी वारी उहने कहना नहीं पाया ते तुहाडे कहने ते उत्तर आई। अज कित्थे है केजरीवाल साडे सामने आ। सो मेरी बेनती है ते मेरी ये जिहड़ी वीडियो है ये वध तो वध शेयर करो ता कि ये केजरीवाल तक भगवंत मान तक ये पहुँच सके ते इन्हां बच्चों का बेरोजगारा बच्चों का मसला जिहड़ा है वो हल हो सके। धन्यवाद जी। हाँ जी, 50% जिहड़ा योगदान है पंजाब के बेरोजगार PTI अध्यापकों का है, क्योंकि सरकार बनाने अज दुख नाल यह कहना पै रहा पंजाब के बेरोजगार अध्यापकों को। मैं यही कहना चाहे PT केडर होवे चाहे PT नवा केडर होवे, 11 साल तो पुरानी PT पोस्ट और जोड़े नवी 2000 इन्होंने कई असं बहाल करा तो भगवंत मान को असी बेनती करते हैं कि 2000 पोस्टा का इश्तहार जल्दी करे तो 646 की मैरिट लिस्ट जारी करे। दुखी नाल कहना पै रहा कि जी सीपी शर्मा अज तुहाडे शहर दे विच तुसीं एक पासे उद्घाटन करन आए हो कॉलेज का, पर अज हक मंगण गए सी साडे पंजाब दे बेरोजगार अध्यापक ETT अध्यापक और उन्होंने डांगा मार के खदेड़ दिता गया, जेलों में सुट दिता गया। तो असं 15 अगस्त तक बैठने वाले नहीं है, साडा चैलेंज है पूरे पंजाब दे विच जे 15 अगस्त तो पहला भगवंत मान ये साड़िया 646 PT की मैरिट लिस्ट ऑर्डर नहीं करता तो असी जिथे भी है जिस दिन झंडा लहरावेगा ये साडा चैलेंज है वादा है उत्थे ही असी इन्हां दा घराओ करांगे चाहे सानू गोली ना मार दी जावे। साडा एक जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। मंडी लादूगा तो आम आदमी पार्टी के जिहड़े के प्रधान ने और MLA समना साहब के काफ़ी टच विच भी ने, इन्हां नाल भी गल करांगे। वरिंदर सर जी भी सर इस टाइम तुसी किस अहुदे ते हो आप वल्लों? सब तो पहले तो असी मीडिया धन्यवाद करना चाहते जिन्हें मतलब ये इस सारी समस्या वास्ते लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो अज असी सरकार को इस गल की मंग करते हैं कि जिहड़े चोणों तो पहले वादे की सी चाहे वह PTI अध्यापक हो चाहे वह ETT अध्यापक हो चाहे होर भी मतलब पंजाब के मुलाजम हो उन्होंने जिहड़े किते मतलब जो वादे किए थे उन्होंने पूरा किया जाए, क्योंकि मुलाजमों में जिहड़े बेरोजगार साड़ी PTI अध्यापक बहुत बड़ा रोस है। उस रोस जिहड़ा ना वो मतलब जो है रोस देखते हुए असं मंग करते हैं मतलब जो है पंजाब की सरकार को खास तौर पर साडे बहुत ही सत्कार भगवंत मान साहब को जिहड़े कि मतलब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कि मतलब कि इन्हों का मसला जिहड़ा वो पहल के आधार पर हल किया जाए, जे कदे हल ना किया गया तो जो भी संघर्ष रहेंगे असं इन्हें हल। वोटा तो पहला सवना साहब के काफ़ी टच में रहे, पिंड पिंड जाके कंपेनिंग करते रहे, पर अज तुहाडे रिलेशन किदां ने कि अज तुसीं PTI अध्यापकां दे जिहड़े बेरोजगार अध्यापक ने इन्हां दी कोई मीटिंग करन दी कोई बैठन दी गल कीती? देखो जी, मैं ये गल समझदा कि चोणां तों पहलां जिहड़े साडे इत्थों दे बहुत ही सरकार सरदार नरेंद्र पाल जी सरना जी किन्ना सी अच्छी मतलब अगवाई च मतलब जी लगातार 2 महीना कंपेन की है, पिंड पिंड जाके असी वोटां लोगों को जागरूक कराया और मंग की है वोटां मतलब जी पवाने की पूरी योगदान पाया। साडे नाल जिले अज PTI के यून के जो आगू है अशोक कुमार जी लगातार साढ़े मतलब जी सहयोग दिता है। अज अभी मतलब जी
दोबारा फिर सरकार को मंग करते हैं, कोशिश करें कि मतलब जो है असी एम एल ए साहब के द्वारा कि मतलब साड़ी जी आवाज़ है वो मतलब जो पच्ची मिनट तक पहुँचा जाए कि जेडे साथियों ने साडा चोणा साथ दिता उन्होंने घट्टो घट्ट जो मंग है सारे पंजाब की कि 640 या 640 जो कुछ भी है साढ़े मतलब पी टी आई अध्यापक तुरंत फौरी तौर पर मतलब बगैर किसी कारण तो उन्होंने मतलब अशोक जी खड़े ने बेरोजगार अध्यापक ने कदों तक तुम भरोसा दवा दोगे इन्हों की सामना सामना असी इन्हों की पहले भी मतलब पंजाब सरकार ने जो जिला मतलब इन्होंने मतलब पंजाब सरकार का जो घेराव किया रोस प्रदर्शन किया उस मतलब जो भी पंजाब पुलिस वालों जो कि मतलब जो लाठीचार्ज ज उन्होंने दर्शन किया गया असं उन्होंने खेती करते नहीं होना चाहिए असं इस मतलब लोकतंत्र मतलब रल मिल के मतलब गलबात मसले हल किया जा सकता है असं विश्वास दवाते हैं कि जिमें मतलब जो मान साहब को असं पूछ सकते आपके वालों भी कि 15 अगस्त तक असी मतलब जो पहले पहले इन्हें किसी गलबात करा के मसले जो हल अशोक कुमार जी तो जाणांगे तुसीं भी काफ़ी मंडी लादूगा आम आदमी पार्टी की कंपेनिंग की वोटां लई कर कर गए उस तो बाद किस तरह का हुण सरकार का रवैया है भी तुहाडे नाल कोई लोकल एमएलए ने कोई मीटिंग करन दा दावा कीता? देखो जी दुख तो हो रहा भी असी सारे ही गुनाहगार हाँ क्योंकि पिछलियां सरकारां ने कुटिया तो लुटिया पर इस वारी असी बदलाव के हक च पूरा पंजाब सी तां असी चाहुंदे सी कि पंजाब बदलाव लियावे पर कितों तक सरकारां तां जरूर बदलिया ने पर सरकारां दे जो वतीरे ने पिछले जिहड़े प्रशासन ने वो नहीं बदले तां कोशिश सरकार दी है कि बदलिया जावे पर दुख की गल यह है कि भी सानू जिदा 5-6 महीने हो गए ने कोई आने वाले समय में भी जो बदलाव लग तो नहीं रहा पर असी इन्हां दी कंपेन करने वास्ते मैनू भी 10 पिंड मिले सन जिदा प्रधान जी ने कहा तो हुण भगवंत मान नूं सोचना चाहिए कि साडा केडर है या साडे नाल खड़े सी तो 635 पोस्टा दे रहे हैं 2000 पी टी दी नवीं दे रहे हैं चंगी गल है तो 646 किड्डी गल है चुटकी की गल है साडा तो जी फीसा भरिया ने मैटलिस्ट आउट करनी है 2 दिन की खेड है जी ये हुण देखना उन्हें 15 अगस्त तो पहले ज्वाइन कराते हैं ठीक ने तो पूरा केडर जोड़ा है इन्हों के विरोध में चाहे ML समना होए चाहे जगदीप गोल्डी होए चाहे फौजा सिंह सरारी होए चाहे बल्लूवाल हल्के तो क्यों वड्डी काबिलियत लियाने क्योंकि इस एरिए लगभग 350-400 केडर है जी ये तो हुण ML नूं सोचना चाहिए कि भाई इन्हां नूं रुजगार की लोड़ है या इन्हां नूं गोली मारनी या रुजगार देना तो असी भी इन्हां दा फिर विरोध करांगे ऑप्शन यही है कि 15 अगस्त तक सानूं ज्वाइन करा देण वधिया नहीं तो फिर इन्हों का पेट स्यापा करेगा किसान भी साढ़े नाल ने जिहड़े वर्कर अज इन्हें सपोर्ट लाए थे तो इन्हों के उल्ट जाएंगे तो असी मांग करते हैं कि ये गल्लां जिहड़ियां ने तुहाडे चैनल के जरिए सुत्ती भी सरकार के कान खोले तो सरकार जागे जो राइट हैगा उहदे वल ध्यान करे। पहला तो साढ़े दर्शकों अपना नाम तो जाणू करा दो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं राज तिलक पिंड लाधू का क्रांतिकारी किसान यूनियन के जिला कमेटी मैंबर हाँ। अज असी अग्निपथ से जेडे पिछले लंबा समा चलिया धरना दिल्ली मोर्चे दे विच होए शहीद उन्हां दे जेडे है मुलजमान नूं सज़ा दवाउण बारे ते अग्निपथ स्कीम के विरोध के असी अज इत्थे जिला फाजिलका की धरती से फाजिलका रेलवे स्टेशन पर एकत्र हुए हैं। जो भी 4 घंटे का जाम से वो जाम लाया सो उस संबंध में हाजिर होने तो उपरंत एक चीज़ साढ़े सामने होर आई है कि पिछे जो इलैक्शन होया सी तां सारे ने किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट की है किसी ने अंदर खाते की किसी ने ओपन की जी। सो वो साडा जमहूरियत है साडा हक है और जिन्हें जो चंगा उन्होंने उन्होंने वोटिंग की तो उन्होंने वोटों के दौरान असी एक विशेष तौर पर देखा कि जेडे बच्चों ने CPED DPED के डिप्लोमे हासिल किए ने तो उन्होंने इस समय तो पहला दी सरकारां दे विरोध दे विच ते आम आदमी पार्टी के हक दे विच ठोक के जड़ा है वो सपोर्ट की सी। असी भला जिहड़ी पार्टी नाल मर्जी रहे पर असी यह जरूर वेख्या सी भी इन यूनियन ने इन्होंने उन्हां दी सपोर्ट की थी। पर वेखण च आया कि 2011 दे विच CPED DPED डिप्लोमा होल्डरां दे नाल रिलेटड कुछ पोस्टा कढ़िया सन तो उन्होंने पोस्टा के उन्होंने इश्तहार तो बाद इन्होंने अपलाई भी किया इन्होंने सारे जड़े है इन्होंने क्रिटीरिया के अंडर ये आपका जोड़ा है पूरा करते हैं पर इन्हों ज्वाइनिंग लैटर अज तक नहीं मिले
हूँ कुछ क बच्चे कुछ क अध्यापक ओवर एज होने के भी किनारे ने और कुछ क कोई ना तो कोई होर कारोबार कर सके उस ही जिमें कह लो भी कुत्ते चाक जो बैठे भी सानू टीचर की नौकरी मिलेगी असी डीपी लगेंगे असी पीटी लगेंगे अज तो इन्हों के बच्चे भी इन्होंने पूछते हैं पापा तुसी कदों टीचर लगोगे कदों मास्टर लगोगे सो ये नाल बड़ी ज़्यादा जाति हो रही है। मैं समय की सरकार नू बेनती करदा कि इन्हों की जिहड़ी है वो अर्ज प्रवान की जाए जिहड़ा ये टैंकियां ते चढ़न वाले जिहड़े असीं वादे कीते सी भी असीं किसी नूं टैंकी दी नहीं चढ़न देना असीं किसी नूं कुछ नहीं करन दसो उही हालात हुण चल रहे ने। सो समय दी सरकार नूं मेरी बेनती है कि इन्हां बच्चियां दी जिहड़ी है वह अर्जी प्रवान की जाए। 2011 दे विच जिहड़ियां पोस्टां निकलियां सी जिन्हां दे विच इन्हां ने पोस्टां दे अप्लाई कीता सी सो जिहड़े बच्चे मैरिट च उदों भी आए सी जां हुण आउंदे ने उहनां नूं जल्द तों जल्द ज्वाइनिंग लैटर दित्ते जाण क्योंकि ये आप दा परिवार की रोजी रोटी आप दा भविख फिर भी जिहड़ा समां जिहड़ा रहिंदा ये उदों कर सकन ते आपदे बच्चों के बारे सोच रहे हन ते इन्हां नूं आप दी सोच पई है ते इन्हां दे बच्चे इन्हां दे बराबर दे हो गए ने ते उहनां दे भविख बारे ये बंदे की फैसला लै सकणगे। सो फिर मेरी दोबारा बेनती है पंजाब सरकार नूं मैं उन्होंने मतलब विरोध च कुछ नहीं बोल रहा सरकार दे असी तो बेनती करते हैं एज ए किसान वर्कर किसानी नाल जुड़े हैं तो साडे बच्चे ने इन्होंने ज्वाइनिंग लैटर दिता जाण ये बेनती प्रवान करे साडी भगवंत मान सरकार आम आदमी पार्टी सरकार दे अगे साडी बेनती। सो ये सन अशोक कुमार जी 646 PTI अध्यापकों के प्रधान फाजिलका तो। सो इन्होंने दसिया कि 11 साल हो गए इन्हों सड़कों पर रोल रहे हैं अजे तक किसी तरह की कोई नौकरी देने का दिलासा नहीं दिता गया और आम आदमी पार्टी ने इन्हें विश्वास दवाया सी भी जिहड़ा कि विश्वास जताते हुए सरकार बनाने में इन्हों का काफ़ी योगदान है पिंड पिंड जाके कंपेनिंग भी की पर कि ना कि सरकार वालों इन्हों का अजे बाह नहीं फड़ी गई। आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने भी इस गल का भरोसा दवाया और दूसरा रीश नड्डा जी भारतीय किसान यूनियन एकता डुगौंदा के प्रधान रीश नड्डा जी ने यह भरोसा दवाया कि जे किसानों के हक के बेरोजगार अध्यापक यूनियन नितरती रही है तो हुण किसान यूनियन जिहड़ी कि इन्हां दे हक के नितरेगी और इन्हां दे जिहड़े हक दवा के रहेगी। बने रहना साडे नाल देखते रहना साडा चैनल और साडे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना और बेरोजगार अध्यापकों की हमायत के वीडियो शेयर करना ना भुलना।